यहाँ पीछे सर में इतना दुखता क्यों है? बोलना, तुझे तो पता होगा ना, ऐसे क्या देख रही है? बोल, सिर्फ मारा था क्या तुझे? ये लीजिए दवाई। नर्स, नाम नाम क्या? मैं नर्स नहीं हूं। जो भी है, नाम तो होगा ना? नीलिमा। नीलिमा, जाना पहचाना सा लगता है। मैं बेहोश था तब सुना था मेरे मुंह से ना। कोमा से बाहर आने के बाद आपके मुंह से कई बार ये नाम सुना था। अच्छा, कोई रिश्तेदार होगी क्या? तुम्हें पता है? कोई करीबी होगी, तभी तो बेहोशी में भी आप उसका नाम बार बार ले रहे थे। सविता, ये सूखे कपड़े सब अंदर ले लो, गंदा लगता है ऐसे, वैसे लटक रहा है। और आज कचरे की टोकरी कोई बाहर नहीं रखेगा, सब घर के अंदर, बराबर? ए सब्जी वाले, कुछ गिराना मत इधर। ये देख, ये वटाने के पोतरे गिरे हुए इधर, ये सब क्या है? उसमें क्यों मिला रहे? मिला क्या भाई, बापोदरा का होने वाला जमाई आने वाला है क्या? ए गोलू, ये कचरे की टोकरी अंदर डाल, चल। ले 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 निशान, एकदम टाइम पे, अभी भी एकदम पंचुअल है तू। मैं आती हूँ। मेरा बेटा जय। ओ जय, क्या बात है बेटा, क्या बात है। जय, ओहो कितना बड़ा हो गया बेटा है, कितना लंबा चौड़ा हो गया है। इतना छोटा सा था, नाक से शेडे बह रहे थे। जय श्री कृष्ण भाभी। गोलू, गोलू, टुप्पा क्या किया? अरे हाँ भाई गोलू, हाँ तेरी पहचान कराएगा बापूदरा होने वाले जीजा जी से। ये कब से जीजा जी ऐसे एकदम एक्साइटेड है। गोलू गाली दे रहा है और बापूदरा उससे लाड़ लड़ा रहा है। आज बरोबर आया हूँ पहाड़ के नीचे। ये गोलू है मतलब बापूदरा का खास लाडला, खास संबंध, अनोखा संबंध हमारा है ना गोलू बेटा। जाओ दुकान में काम करो बेटा। जय श्री कृष्ण। चलो हो गया, चल चलो ऊपर चलते हैं। चल। पुष्पा, प्रार्थना को देखते हैं, लड़के वाले आए हैं, जय नाम है उसका। मैं आती हूँ, बातें मिलते हैं। आया भाई। ये गुलू गुलू गुलू,
तू शांत हो जाना, बड़े मेहमान है वो, सबके सामने ऐसे बात नहीं करते, बापोदरा से भी नहीं, समझा? रख दे झाड़ू और जा अंदर। ये लोग तो प्रार्थना की शादी के पीछे ही पड़ गए हैं रे, जल्दी नहीं हो रही है ने? जल्दी है। हाँ? जल्दी तो है। हाँ। दीप्ति, वैसे लड़का तो अच्छा है, देखने में हैंडसम है और अमीर भी लगता है, गाड़ी देख। मैं क्या कह रही थी माँ, वो माथेरान की ट्रिप, आप प्लीज रासी को जाने दो। हाँ माँ, वरना वो और चढ़ जाएगी, पढ़ाई तो अच्छे से कर ही रही है, आउटिंग हो जाएगी तो थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। कल डैड से मिली थी मैं, बता रहे थे कि तुम नए काम में अच्छे से सेट हो गए हो। अरे वाह, ऐसा बोले वो, ये बहुत अच्छी बात है रे। लेकिन कल तक तो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो सडनली डैड ने ये स्टेटमेंट क्यों दी? अचानक से बॉस तुम्हारे साथ अच्छी हो गई थी? नहीं, वो तो वैसे ही है, बॉस तो तुम ही बेटर थी। ये तो मेरी तारीफ कर रहे हो या मॉम की बुराई? बुराई कहा की मैंने, जो है सो कहा। लेकिन मैंने अब सोच लिया है कि मैं अब फालतू के पंगे नहीं लूंगा, मुझसे जो कहा जाएगा मैं वो डिलीवर करूंगा। मैटर ओवर। दीदी, तेरा काम कैसा चल रहा है, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। ईयर एंड है ना माँ, तो कंपनी पे टारगेट पूरा करने का प्रेशर होता है, वो प्रेशर हम पर भी आता है। 6 महीने का बैकलॉग हमें 30 दिन में तैयार करना है। वो तो तुम आराम से कर लोगी, माहिर हो तुम इन सब में। पहले की टीम अलग थी ना, तुम थे। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे टीम मेंबर्स इतने मोटिवेटेड नहीं है। किसी बॉस को सुना आज तक अपने एम्प्लॉय से खुश होते हुए? सारी गलतियां एम्प्लॉयज की होती हैं, बॉसेस तो दूध के दूल्हे होते हैं, तुम्हारी मॉम भी वैसी है। ये तुम्हारी मॉम का क्या मतलब है? तुम्हें अगर मेरी मॉम से इतनी प्रॉब्लम है तुम उनसे डिस्कस करो, उनके हिस्से के ताने मुझे सुनाने का क्या मतलब है? पर्सनल इक्वेशन को तुम काम के साथ क्यों मिक्स कर रहे हो अश्विन? तुम इसको इतना पर्सनली क्यों ले रही हो? तुम्हारी मॉम है इसलिए तुम्हें डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। अश्विन, यू नो व्हाट, तुम्हें एक्चुअली छोड़ो, मुझे ऑफिस का मैटर घर पे डिस्कस नहीं करना। ऑफिस का या अपनी मॉम को डिस्कस नहीं करना? मैं मजाक कर रहा था। I was just kidding, Dipti. तुम अच्छे से जानते हो कि तुम मजाक नहीं कर रहे थे। तुम्हें मैंने पहले भी बताया था कि मॉम के साथ काम करना इतना आसान नहीं है। तब तो मेरी सुनी नहीं, अब मुझे सुनाने का क्या मतलब है? Actually, मुझे ये टॉपिक छेड़ना नहीं चाहिए था। ये सब कह रहे? मनीष, कब निकल रहे हो बैंगलोर से? सोनल भाई, मैं बोल रही हूँ, पुष्पा। अरे आपने नंबर सेव नहीं किया मेरा? बाप रे, पुष्पा बहन इस समय? पहले भी तो आई थी इस टाइम दीप्ति को मिलने, आपको याद है हमारी पहली मुलाकात? ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर, नीचे गार्डन में खड़ी थी आप। अब भी वही खड़ी हूँ, मींस के अब भी। आप नीचे आइए ना, मुझे आपसे खांगी बात करनी है अश्विन और दीप्ति के बारे में। तब हम अनजान थे पुष्पाबेन, अब थोड़ी हैं। अब नीचे क्यों मिलना है, आप ऊपर आइए, इत्मीनान से बात करते हैं। मनीष भी नहीं है घर पर, ही इज गॉन टू बैंगलोर। भले। ये तुम्हारी मॉम का क्या मतलब है? तुम्हें अगर मेरी मॉम से इतनी प्रॉब्लम है तुम उनसे डिस्कस करो, उनके हिस्से के ताने मुझे सुनाने का क्या मतलब है? सारी गलतियां एम्प्लॉयज की होती, बॉसेस तो दूध के दूल्हे होते हैं, मेरी मॉम भी वैसी है।
सभी के सामने। चलो कम से कम किसी बात पे तो हमारी सोच मिलती है। मम्मी के सामने इस तरह नहीं झगड़ना चाहिए था। तुम्हारा काम घर पे हावी हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है? पता नहीं क्या हो गया है उसे, काम का गुस्सा घर पर निकाल रहा है वो। ऐसा भी तो हो सकता है कि घर का गुस्सा काम पर निकाल रहा हो वो। मींस के घर पर भी तो स्ट्रेस हो सकता है ना। देखिए पुष्पा बहन, एक सहेली के तौर पर बात कर रही हूँ। रिसेंटली आपके घर में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मुझे लगता है अश्विन उससे बहुत स्ट्रेस्ड हो गया होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.